क्या तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम होता है? जब भी तुम वन टेप हेडशॉट लेने की ट्राई करते हो उसी टाइम तुम्हारा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन तुम्हारे साथ नहीं देता है, तो तुम ये वीडियो को एंड तक जरूर देखो, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर जो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन देने वाला हूँ तुम लोगों को, लेकिन वो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन अगर तुम गलती से भी यूज करते हो तो तुम्हारा हेडशॉट इतना खतरनाक, मतलब इतना तबड़तोड़ हेडशॉट लगेगा जैसे कि तुम कभी सपने में भी सोच नहीं सकते हो, इतना खतरनाक हेडशॉट लगता है ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को यूज करने के बाद। तो देखो आज इस वीडियो के अंदर जो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन तुम लोगों को दूंगा, इसको यूज करने के बाद अगर तुम थोड़ा सा भी ड्रैग करते हो तुम्हारा एम जो है सीधा एनिमी की हेड पे कनेक्ट होने वाला है, बॉडी शॉट का तो कोई सीन ही नहीं रहेगा। और खास करके यहाँ पर ब्राजीलियन प्लेयर ज्यादातर ये सारे कैरेक्टर को यूज करके इतना इजीली हेड शॉट कनेक्ट करता है। तो भाई चलो आप फटाफट बात करते हैं कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर तुमने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई फटक से वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि इस तरह का वीडियो इस चैनल पे तुम्हें हर रोज देखने के लिए मिलता है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। या तो गाइस चलो आप फटाफट बात करते हैं एक्टिव कैरेक्टर की स्लॉट में। तो देखो यहाँ पर जो एक्टिव कैरेक्टर का स्लॉट है इसमें तुम कुछ भी कैरेक्टर को यूज कर सकते हो तुम्हारे हिसाब से, चाहे तुम यहाँ पर आलोक यूज करो, के यूज करो, तसुआ यूज करो, या फिर तुम अगर चाहो तो हुकोंग को भी यूज कर सकते हो। क्योंकि देखो यहाँ पर तुम एक्टिव कैरेक्टर को तो अपने हिसाब से रख सकते हो, बट यहाँ पर जो तीन पैसिव कैरेक्टर लेने का स्लॉट है ये तुम्हें मैं अपने हिसाब से रखने नहीं दूंगा, बिकॉज आज इस वीडियो के अंदर तो उसी के बारे में बात करूंगा कि तुम्हें क्या ऐसा तीन पैसिव कैरेक्टर लेना है जिसको यूज करने के बाद तुम्हारा हेडशॉट जो है यहाँ पर 50% तक यहाँ पर तुम्हारा इंक्रीज हो जाएगा। मानो अगर तुम 10 में से 5 हेडशॉट लेते थे तो अभी तो तुम यहाँ पर 10 में से 8 या 9 हेडशॉट लेने वाले हो ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को यूज करने के बाद। तो तुम्हें यहाँ पर जो पैसिव कैरेक्टर का स्लॉट है इसमें तुम्हें सबसे पहला जो स्लॉट है इसमें तुम्हें लेना है लूना कैरेक्टर को। देखो लूना कैरेक्टर क्या काम करता है, ये तुम्हारा ओवरऑल जितने सारे गेम के अंदर गन देखने के लिए मिलता है सारे गन का यहाँ पर रेट ऑफ फायर को इंक्रीज करता है। और तुम्हें तो पता ही है रेट ऑफ फायर अगर किसी गन में ज्यादा है तो उसमें कितना इजीली हेड पे कनेक्ट होता है, और हम लोग इसे ट्रिक को यूज करके यहाँ पर हेडशॉट को इंक्रीज करने वाले हैं। तो यहाँ पर तुम्हें सबसे पहला नंबर स्लॉट में क्या लेना है, लूना कैरेक्टर को। जो पैसिव कैरेक्टर का स्लॉट है उसका सबसे पहला स्लॉट में तुम्हें लेना है लूना कैरेक्टर को, और साथ ही साथ यहाँ पर नंबर 2 पे तुम्हें लेना है डीबी कैरेक्टर को। तो देखो जैसे ही तुम यहाँ पर लूना कैरेक्टर को यूज करोगे उसी टाइम इन गेम जितने सारे तुम्हें गन देखने के लिए मिलता है सारे गन का यहाँ पर रेट ऑफ फायर इंक्रीज हो जाएगा, और रेट ऑफ फायर इंक्रीज होगा तो यहाँ पर गन काफी ज्यादा रिकॉइल भी करने वाला है। और ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तुम्हें यहाँ पर लेना है डीबी कैरेक्टर को। देखो डीबी कैरेक्टर काम क्या करता है, जैसे ही तुम यहाँ पर डीबी कैरेक्टर को यूज करोगे ये तुम्हारा एक्यूरेसी को इंक्रीज करता है, मतलब इन गेम जितने सारे तुम्हें यहाँ पर गन देखने के लिए मिलता है सारे गन का ये एक्यूरेसी को इंक्रीज कर देगा 60%। भाई तुम सोच के देखो 60% अगर किसी गन का एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाएगा तो रिकॉइल का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मतलब चांस ही नहीं है भाई, दूर दूर तक चांस ही नहीं है रिकॉइल होने का। लेकिन ये डीबी कैरेक्टर का एक कंडीशन है जो कि यहाँ पर जैसे ही तुम जॉयस्टिक को पकड़ के फायर करोगे उसी टाइम ही ये डीबी कैरेक्टर काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, और इसलिए तुम्हें यहाँ पर जॉयस्टिक पकड़ के ही फायर करना है। अगर तुम ब्राजीलियन प्लेयर को भी देखोगे वो लोग ज्यादातर यहाँ पर जॉयस्टिक को यूज करके हेडशॉट लेता है, क्योंकि उसको उसी टाइम एक्यूरेसी परफेक्ट मिलता है। तो तुम्हें यहाँ पर पैसिव कैरेक्टर के स्लॉट में नंबर 1 पे लेना है लूना कैरेक्टर, नंबर 2 पे लेना है तुम्हें डीबी कैरेक्टर को। लूना कैरेक्टर तुम्हारा ओवरऑल गन का रेट ऑफ फायर इंक्रीज करेगा, और साथ ही साथ यहाँ पर डीबी कैरेक्टर तुम्हारा ओवरऑल गन का एक्यूरेसी को इंक्रीज करेगा। लेकिन अभी रुको, अभी खत्म नहीं हुआ है, लास्ट में भी तुम्हें एक कैरेक्टर स्किल को यूज करना है। इसको यूज करने के बाद अगर तुम्हारा थोड़ा बहुत भी रिकॉइल हो रहा था तो वो भी नहीं होगा, मतलब एकदम 0% रिकॉइल के साथ तुम यहाँ पर गेम प्ले कर सकते हो। और ये कैरेक्टर को यूज करके तो तुम यहाँ पर काफी इजीली और भी तेजी से हेडशॉट कनेक्ट कर पाओगे, जैसे कि तुम यहाँ पर बैकग्राउंड पे देख रहे हो। तो तुम्हें यहाँ पर नंबर 3 वाला जो स्लॉट है इसमें तुम्हें लेना है दासा कैरेक्टर को। ये तुम्हारा ओवरऑल एक्यूरेसी को काफी ज्यादा परफेक्ट कर देता है, मतलब गान अगर थोड़ा बहुत भी रिकॉइल करता था तो वो भी नहीं करेगा। तो तुम्हें यहाँ पर एक्टिव स्लॉट में तुम अपने हिसाब से कुछ भी कैरेक्टर को यूज कर सकते हो जो तुम्हें अच्छा लगे, लेकिन यहाँ पर पैसिव कैरेक्टर की सबसे पहला स्लॉट में तुम्हें यहाँ पर लेना है लूना कैरेक्टर, जो कि तुम्हारा ओवरऑल गन का रेट ऑफ फायर इंक्रीज करेगा। और साथ ही साथ तुम्हें यहाँ पर नंबर 2 पे लेना है डीबी कैरेक्टर, जो कि तुम्हारा एक्यूरेसी को इंक्रीज करेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर तुम्हें नंबर 3 पे लेना है दशा कैरेक्टर को, ये भी तुम्हारा गन का एक्यूरेसी को इंक्रीज करेगा। और मैं यहाँ पर 100% ग्रेंट के साथ बोल सकता हूँ अगर तुम ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के साथ गेम प्ले करोगे ना तो तुम्हारा गन रिकॉइल होगा, और इतना खतरनाक तुम हेडशॉट कनेक्ट करोगे तुम्हारे दोस्त भी बोलेगा कि भाई तू क्या
कैरेक्टर यूज कर रहा है हमें भी बता दे। तो गाइस अपने दोस्त के साथ उससे पहले वीडियो को शेयर कर दो, ये भी बढ़िया है। और अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा तो भाई फटक से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक जरूर से जरूर दबा देना। तो गाइस चलो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो कैसा लगा वो भी तुम नीचे कॉमेंट कर सकते हो। तो मिलते किसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।